हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि इंडिया का रिवर बेसिन सिस्टम जो है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसमें से आप लोग का एक दो सेक्शन, अगर ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ से आप लोग का एक से दो क्वेश्चन एकदम कॉमन मिलते ही है। तो ये क्या है, आप लोग को बहुत सारे पेजेस में दिए रहते हैं, तो उसको ही मैंने एकदम कोशिश किया आप लोग का एक पेज में पूरा कंपाइल करके एक टेबल में प्रोवाइड करने का। यानी कि सबसे पहले रिवर है, देन कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, देन ट्रिब्यूटरी कौन सा स्टेट कहाँ से, कौन कौन सा स्टेट से गया है, कहाँ पर गिरा है, और उससे रिलेटेड थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो आप लोग का है, फर्स्ट टेबल दिया हुआ है नौ रिवर्स के ऊपर, और ये कौन सा रिवर कहाँ से गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ये सब आप लोग का एक मैप दिया हुआ है। ये मैप आप लोग देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से ये मैप बनाया हुआ है। ये नेट से डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग नेट में ही देख सकते हो, ये मैप मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इंडस रिवर। अब इंडस रिवर नहीं, सबसे पहले जो हम लोग का रिवर बेसिन सिस्टम है, रिवर बेसिन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है आप लोग का हिमालयन रिवर्स, ये पोर्शन जहाँ पे हिमालयन रिवर में इंडस होता है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा पोर्शन है, ये तीन पोर्शन है, ये हिमालयन रिवर्स के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है पेनिनसुला रिवर जो बोलते हैं, पेनिनसुला रिवर हमारे इस पोर्शन को बोलते हैं। इसमें आप लोग का नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा का सॉरी कृष्णा एंड कावेरी, ऐसे करके बहुत सारे रिवर्स पड़ते हैं। तो ये है आप लोग का पेनिनसुला रिवर्स। तो ये सब रिवर्स जितना भी है आप लोग का टेबल में देखिए। तो सबसे पहले आप लोग का इंडस रिवर, इंडस रिवर का लेंथ टोटल 2900 किलोमीटर्स है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, मानसरोवर लेक से स्टार्ट ओरिजिनेट हुआ है, जो तिब्बत में आप लोग का। देन इसका जो ट्रिब्यूटरीज अगर पूछ लेंगे तो ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले जस्कार, नुब्रा, सहयोग एंड हुंजा है। एंड उसके साथ ही और भी ट्रिब्यूटरीज है, वो सब क्या है आप लोग का, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम, ये सब भी आप लोग का ट्रिब्यूटरीज है। देन नेक्स्ट है कौन कौन से स्टेट से फ्लो होता है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देन पंजाब, ये तीन स्टेट से आप लोग का फ्लो होता है। तो ये स्टेट भी हो गया। देन नेक्स्ट कहाँ पे लास्ट में गिरता है, ये गिरता है आप लोग का अरेबियन सी में गिरता है। उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मिथानकोट क्या है, आप लोग का जितने भी रिवर्स है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये जितने भी रिवर्स है ये सब रिवर्स आप लोग का लास्ट में एक जगह में जाके मीट होता है, ये जगह है आप लोग का मिथानकोट, ये पाकिस्तान में है। देन नेक्स्ट है आप लोग का लद्दाख में इंडिया में घुसता है, ये तिब्बत में लद्दाख से इंडिया में घुसता है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, इसमें बताया गया था इंडिया इंडस रिवर का सिर्फ 20% ही वाटर यूज़ कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये हो गया आप लोग का इंडस रिवर के ऊपर। इसी से ही अब क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा ही क्वेश्चन आता है, जस्कार कहाँ, किसका ट्रिब्यूटरी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, वही सभी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है गंगा, गंगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है आप लोग का, उत्तराखंड के ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गोमुख से हुआ है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट अगर पूछेंगे तो। और इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक अगर पूछेंगे तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक मतलब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो आप लोग का गंगा जा रहा है ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस साइड से देखेंगे ये सब आप लोग का लेफ्ट है, और इस साइड से देखेंगे तो ये सब आप लोग का राइट है, ये सब लेफ्ट पोर्शन है और ये सब राइट पोर्शन है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखिए आप लोग का, लेफ्ट बैंक में गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी है, और राइट बैंक में यमुना है। यमुना के ही ट्रिब्यूटरीज आप लोग के चंबल और बेतवा है, और सोन, पुनपुन और दामोदर है। देन नेक्स्ट है ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो होते हैं, उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार से फ्लो होते हैं। और गिरता कहाँ पे है, एंडिंग में बे ऑफ बंगाल में गिरता है, और यही गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के आप लोग का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है वर्ल्ड का। तो ये है आप लोग का सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट ये और एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स है आप लोग का, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो आप लोग का स्टार्ट होता है अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब प्रयाग आप लोग पढ़ के रखिएगा, ये सब पढ़ के रखेंगे तो आप लोग का एक एडवांटेज रहेगा। देन नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक जहाँ से आप लोग का इंडस ओरिजिनेट होता है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, यानी कि इंडिया के बाहर से। देन ब्रह्मपुत्र को ही आप अगर बोलेंगे, यहाँ पे मैंने राइट साइड में बता दिया है आप लोग, फिर भी बता दे रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र को इंडिया में दिहांग बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं,
और आप लोग का तिब्बत एंड चाइना के उस जगह में आप लोग का शांगपो बोलते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज अगर बोलेंगे तो दिबांग और लोहित है, और ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो होते हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम से, और गिरता है लास्ट में बे ऑफ बंगाल में। और नामचा बरुमा में आके दिखाता हूँ आप लोग का नामचा बरुमा, ये है आप लोग का नामचा बरुमा यहाँ पे इस पोर्शन में, यहाँ पे एक पहाड़ है ऐसे करके ब्रह्मपुत्र ऐसे करके कर्व होके इंडिया में घुसता है, तो ये आप जो पहाड़ है ये आप लोग का नामचा बरुमा है, तो यहाँ से आप लोग का इंडिया में घुसता है। देन उसके बाद सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, आप लोग को पता ही है। और आप लोग का सबसे बड़ा वो इंडिया का रिवराइन आइलैंड जो है मजुला है, वो भी ब्रह्मपुत्र में ही आ रही है। ये क्वेश्चन आप लोग का आज मैंने दिया था मॉक सेट में। देन नेक्स्ट नर्मदा, नर्मदा ये क्या है, अब नीचे चले आइए साउथ में, तो नर्मदा स्टार्ट होता है आप लोग का, ओरिजिनेट होता है अमरकंटक हिल से जो मध्य प्रदेश में है, और कौन कौन से स्टेट में गिरता है से फ्लो होता है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात से फ्लो होता है, और लास्ट में एंडिंग में जाके कहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाता है। और ये मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर ये फेमस है, और धुआंधार फॉल्स यही नर्मदा रिवर के ऊपर है। देन नेक्स्ट ताप्ती, ताप्ती आप लोगों का सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, कौन कौन से स्टेट से जाता है, इसके ट्रिब्यूटरीज नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, है छोटे मोटे वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र से फ्लो होता है। देन कहाँ पे एंडिंग में जाके अरेबियन सी में गिर जाता है, ये नर्मदा से छोटा है, क्वेश्चन आ जाता है नर्मदा बड़ा है ये ताप्ती बड़ा है, तो नर्मदा बड़ा है। और ये दो ही सिर्फ इकलौते ऐसे रिवर्स है जो आप लोग के ईस्ट साइड में फ्लो होते हैं, वेस्ट साइड में फ्लो होते हैं, बाद बाकी सब ईस्ट साइड में फ्लो होते हैं। देन नेक्स्ट आप लोग का गोदावरी, गोदावरी नासिक से आप लोग का ऑरिजिनेट हुआ है महाराष्ट्र, और ये जिसके ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा वर्धा प्राणहिता मंजीरा वेन गंगा एंड पेन गंगा, और गोदावरी को ही आप लोग का दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, और ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से फ्लो होता है, और एंडिंग में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, और यही आप लोग का इंडिया के साउथ इंडिया के लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है। देन नेक्स्ट आप लोग का महानदी, महानदी आप लोगों को पता ही है छत्तीसगढ़ से है, एंड महानदी के ऊपर आप लोग का सबसे बड़ा डैम जो है वो है हीराकुंड, एंड कौन कौन से स्टेट से फ्लो हो रहा है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड एंड उड़ीसा से फ्लो हो रहा है, एट द एंड जाके ये लोग बे ऑफ बंगाल गिर जा रहा है। देन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर महाबलेश्वर फॉल्ट से निकलता है, और ये जो मेन इसके ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा कोयना मूसी घाटप्रभा और भीमा है, और ये किस किस से स्टेट से, महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश से फ्लो होता है, एट द एंड बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोग का कृष्णा रिवर के ऊपर ही हम लोग का नागार्जुन सागर डैम भी है। देन लास्ट आप लोग का जो पॉइंट है कावेरी रिवर, कावेरी रिवर आप लोग का स्टार्ट होता है ब्रह्मगिरी रेंज से जो वेस्टर्न घाट में है, और ये जो ट्रिब्यूटरीज है अमरावती भवानी हेमावती एंड कबिनी है, तो ये एट द एंड बे ऑफ बंगाल में गिरता है, और कौन कौन से स्टेट से फ्लो होता है, कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु से फ्लो होता है, और इसी को ही हम लोग गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दक्षिण गंगा एंड गंगा ऑफ साउथ में कन्फ्यूज़न मत खा जाइएगा, गंगा ऑफ साउथ अगर बोलेंगे तो कावेरी होगा, और दक्षिण गंगा अगर बोलेंगे तो ये गोदावरी होगा। एंड ये सेकेंड बिगेस्ट हम लोग का जो वाटरफॉल है शिवा समुद्रम में, यही कावेरी रिवर के ऊपर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का रिवर सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया, और इतना जितना करा रहा हूँ ना इतना ही प्लीज़ पढ़िए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं तो रिवीजन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, सब पढ़िए तो पूरा आप लोग का कवरअप होगा। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये सब वीडियो शेयर कीजिए, मैं जितना भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। और हमारा जो मॉक सेट का एक सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो वो सब रूटीन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। और हाँ, और एक मैं सॉरी बता देता हूँ, ये जो पंचप्रयाग है ना फ्रेंड्स, ये पंचप्रयाग के ऊपर मैं अलग से आप लोग का वीडियो बना दूंगा, वो पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा कहाँ से ज्वाइन करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।